पत्ती में तो इनको माला भी पहना दो। आप पढ़ाए दो नसीब तुम जताए के झिलो। आगे की बात मो जानू मेरे काम जान बिल्कुल सरकार में है मंत्री बनाने को ये काम मेरो है। आप तो जिताए दोगे एहसान आपका चाहिए कि आप मेरे भाई नसीम को जिता दो। यही एहसान आपका है। और जब पहला विधायक बनेगा तो मेरा वायदा है कि मैं अपनी हाई कमांड को सरदारी को कह के यहाँ से मंत्री बनूंगा। कितने किले बाजरा बोया है उसका हिसाब लगा करके उसका जो पैसा है वो सीधा जो घाटा पड़ेगा बाजार में बेचने के बाद सीधा तुम्हारे खाते में आएगा। बोलो खाते में आया कि नहीं आया? जो फसल बोई जाती है मंडी में बेच के आते हो उसका पैसा पहले कभी आपको मिलता नहीं था? नहीं मिलता था ना? मेरे कुछ आड़ती भाई भी बैठे होंगे यहाँ मंच पर, बैठे हैं ना? मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि जो फसल है ये दाना दाना किसान का है और बिकेगा तो पैसा किसका है? ये किसान का है तो उसी के खाते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहले नहीं भेजती थी कांग्रेस सरकार, मोदी जी ने कहा नहीं किसान का पैसा किसान के खाते में जाए उसके बाद वो निकाल के किसी को दे, हमें कोई मतलब नहीं। किसान चाहे आड़ती को दे दे, किसान चाहे अपने घर में खर्चा कर ले, किसान चाहे किसी और को देना हो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसका पैसा है वो लगाए कहीं भी लगाए, लेकिन जिसका पैसा है उसी को मिलेगा। हमने सीधा पैसा अब किसानों को लगने लगा कि हम तो लखपति हो गए। तो मित्रों ये सारे काम हमने किए लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि पीएससी को तुमने 200 बेड का बनाया, लेकिन इसके लिए पहले जब खर्चा करना पड़ता था तो लोगों को किसी अस्पताल में बहुत बड़ा बिल देना पड़ता था। आज पहले हमने हर परिवार के हर फैमिली के 5 लाख रुपए मंजूर किया कि 5 लाख तक का खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये हमने आयुष्मान भारत मंजूर किया। हाल की बात तो अब आगे है। अब इस बार हमने घोषणा की है कि उस 5 लाख को 10 लाख रुपया कर रहे हैं, 10 लाख का खर्चा भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और एक बात ताली की है कि 10 लाख के बाद अगर उस घर में कोई 70 किसी भी परिवार को फैमिली को इलाज का खर्चा सरकार देगी, उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों बहुत काम किया हमने। हमने एक योजना चलाई कि गरीब परिवार जो हैं उनके सदस्य बस में ट्रेवल करते हैं, एक कार्ड बनवा लो, हैप्पी कार्ड उसका नाम है, और बस में साल भर 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये कार्ड बनवाए हैं। अच्छा किस किस का हैप्पी कार्ड बना है जरा हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग का बना है, सब बनवा लो। जिनकी आमदन कम है जो गरीब आदमी है सब बनवा लो, आपका पैसा बस में किराए का नहीं लगेगा। मित्रों क्या क्या नहीं बताऊं, बिजली हमारी सरकार से पहले गांव में बिजली कितनी आती थी, कितनी आती थी? आवे ही ना है बाबा, कि नहीं आवे? आवे ना, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे आवे कि नहीं आवे? आवे। तो लोगों को सहूलत हुई कि नहीं हुई? लोगों को सहूलत हुई है। अरे भाई तेरे गांव में ना आवे तो मैंने गांव का नाम बता, कल शाम तक बिजली आवेगी तेरे गांव में, गांव का नाम बता।
हमने जब 6000 गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात की है, अब भाई वो अगर 400 गांव बचे हैं उसमें कोई थारो गांव होगो, मैं कब कोई कारण रहा होगा उस गांव में, या तो हम बिजली का बिल नहीं भरते। अगर बिजली का बिल भरोगा तो लाइट जरूर आवेगी, ठीक है। थोड़ा देखो भाई, ये चीज जो है ये कीमत लगती है, जैसा हमारा अनाज होता है पैसों से बिकता है ना, तो बिजली पर भी खर्चा आता तो पैसे से बिकेगी ना। कुछ आते हमारे पुराने सरकारों ने बिगाड़ दी कि भाई बिजली के बिल का पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम घर बैठो। बड़े बड़े शब्द कहेंगे महा मनोहर लाल मुख्यमंत्री बड़ो ईमानदार है, अभी हम कहें सब ईमानदार क्यों ना बने, बनना चाहिए कि नहीं, सबको ईमानदार बनना चाहिए। आखिर हमने जब देश को आगे बढ़ाना है, आवाम को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ी सी कुर्बानी भी झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है कि नहीं। बिना कुर्बानी के बिना जन्म नहीं मिलता, ठीक है ना। गलत बोल गया मैं, जन्नत जन्नत नहीं मिलती, जन्नू तो कहते हैं, जन्नू में जाती भाई क्या बताओ। वो जो उर्दू जिसको कम आता है ना, एक नेता से भाषण कर रहे थे, तो उसने कहा क्या, देखो तुम्हें कोई भी तकलीफ हो कभी भी मेरे पास आना, तुम्हारा कोई काम हो मेरे पास आना, मैं आपका खाविंद हमेशा हमेशा के लिए तैयार। अब जो महिलाएं बैठी थी वो शर्मा गई, ये क्या कह रहे हैं। एक ने कान में आके कहा, खाविंद नहीं खादिम कहो। तो भाई उर्दू भाषा ऐसी है क्या, वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, जुदा खुदा हो जाता है। ठीक कहो ना, जिसको उर्दू बात के हाथ खड़े करो और समझ में आवे, ये बात ठीक है ना, कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है और जुदा खुदा हो जाता है, और दोनों बातें अलग अलग है। तो इसलिए वो जन्नत और जहन्नुम का अंतर थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया। तो मैं तो ये कहूं भाई कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, तीसरी बार सरकार बन रही, पत्रकार छायाकार मित्रों, मित्रों अपने को पता है कि ये चुनावी जनसभा है, और मैंने नसीम भाई को जब टिकट दी गई थी मैंने कहा सारे हरियाणा में घूमते हुए मैं और कहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके यहां राज्यसभा में रैली में जरूर आऊंगा। बहुत मेरा अजीज है, बहुत ऐसा प्यारा साथी है, जब ये विधायक था दूसरी पार्टी से था, हमारी पार्टी से नहीं था, लेकिन मैं उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम फिरोजपुर झिरका के उन्होंने कहा हमेशा वो काम किया, करके दिया। बड़े बड़े काम जिसका जिक्र ये कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि इंसान के लिए उसको पानी से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती, पीने के पानी की नहीं होती ना। झिरका की फिरोजपुर झिरका का इलाका प्यासा मर रहा है, मैंने कहा भाई जमुना से रैनीवाल का पानी लाएंगे और इस इलाके के 88 गांव में 263 रुपया खर्च करके और हम पानी लाएंगे, हम लाए हैं यहीं पर पहाड़ी पर, उसका प्रोजेक्ट बना है। आपकी सड़क नू से मुंडा का राजस्थान बॉर्डर, इसके भी 953 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, टेंडर लग चुका है और यह बहुत जल्दी से काम शुरू होने वाला है। मित्रों दिल्ली वडोदरा की सड़क अभी हमारे लिए ऐसी एक सड़क बनी है, इस इलाके के यानी खुशहाली का रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा है। दिल्ली वडोदरा की सड़क कोई छोटी मोटी राशि की सड़क नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सड़क पर
90,000 करोड़ रुपया मंजूर किया, 90,000 करोड़ रुपया। यहां से कितनी दूर है ये? 5 किलोमीटर। यानी यहां से अगर दिल्ली जाना हो, वडोदरा जाना हो, तो पहले शायद दिल्ली के भी 3-4 घंटे लगते होंगे, अब आप 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए, आपको 50 मिनट। और ऐसे ही वडोदरा जाना हो, मुंबई जाना हो, 20 घंटे लगते थे। व्यवसाय करने के नाते, रोजगार करने के नाते बहुत रोजगार करते हैं, लेकिन एक बड़ा रोजगार यहां के लोगों का है, ट्रक ड्राइविंग का है ना। तो ये ट्रक वाले कितने धक्के खाते थे, इधर से उधर जाने में पता नहीं कहां का रात को ठहरना पड़ता था। अब सवेरे यहां से चलेंगे, शाम को बॉम्बे जाके खड़े हो जाएंगे ट्रक वाले। मित्रों, जहां तक एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, क्या बोलते हैं शिक्षा को, तालीम, उर्दू में तालीम कहते हैं। अब ये इलाका तालीम में पिछड़ा हुआ है, इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से हम आए हैं, हमने इस इलाके में चाहे सेहत का ध्यान रखना हो, चाहे तालीम का ध्यान रखना हो, कितने स्कूल, कितने PHC, कितने कॉलेज, फिरोजपुर झिरका वाले कितने सालों से कॉलेज मांग रहे थे, यहां कॉलेज मंजूर हुआ कि नहीं हुआ। इस जिले में कितने प्राइमरी स्कूल नए खोले, जो प्राइमरी थे उनको मिडल तक बनाया, मिडल वालों को हायर सेकेंडरी तक बनाया। आपके बच्चे अब पढ़ने के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, हमने यहां का जो PHC, ये बिल्कुल तिगांव में ही PHC था, उसको 200 बेड का अस्पताल बनाया, मंजूर किया कि नहीं किया? ये किया। काम बहुत गिनाए जा सकते हैं। मैं स्वयं मेवाती हसन खान, उनके बलिदान दिवस पर मैं आया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। कभी किसी ने मेवाती हसन खान के बलिदान दिवस पर प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं जुटाई। हमने उनका भूत लगाया और उस दिन उनकी याद में इस बलिदानी दिवस की छुट्टी भी घोषित कराई। भक्ति के मिजाज का, देशभक्ति की जो भावनाएं हैं, उनसे ओतप्रोत यह इलाका है। यह एक ऐसा इलाका है, 1947 में देश का विभाजन हुआ, लेकिन मैं इस इलाके के लोगों को बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं भूरी भूरी कि यहां लोग छोड़ करके और पाकिस्तान में नहीं गए। इस देश की भूमि के प्रति, यहां की जमीन के प्रति एक जज्बाती आदमी का जो संबंध होता है वो बना करके रखा। आप लोगों की भावनाओं की, जज्बात की मैं कदर करता हूं भाई बहनों। किसानों के लिए हमने क्या नहीं किया? कोटला झील, वहां जमीन सरकारी पैसे से खरीद करके जब कोटला झील का दायरा बढ़ाया, वहां पानी भरा, और इस इलाके में पानी की जब जरूरत होती है, हालांकि जितना चाहिए अभी भी वो काम चल रहे हैं, मेवात फीडर का काम अभी भी चल रहा है। बाजरा बोता है क्योंकि बरसात कम होती है, या बरसात भी होती है तो उसी में बाजरा बोता है, नहरी पानी कम है, तो बाजरे की खरीद पिछले 4 साल से लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है?